झाबुआ जिले के पेटलावत में कल हुए जिलेटिन ब्लास्ट में प्रशासन 85 मौतों की पुष्टि कर रहा है, तो वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उर्मिला चोइली ने 90 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। तो वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी व्यापारी राजेंद्र कासवा के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उसके 4 मकान और गोडाउन सील कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। राजेंद्र कासवा के किरायेदार ने भी घर और गोडाउन में विस्फोटक होने की पुष्टि की है। हादसे के बाद से राजेंद्र कासवा परिवार सहित फरार है। वो ही है अभी और जो इलाज चल रहा है सब जगह, मतलब वो लोग उनसे भी कोई मतलब हमें कैजुअलिटी की खबर नहीं है अभी तक, मतलब सब जगह हमने ले ली है, मतलब सब लोग मतलब रिकवर कर रहे हैं। अपराध क्या हुआ है? अपराध 3/4 विस्फोटक अधिनियम और धारा 304 ITC के अंतर्गत कायम हुआ है। और उसके जितने भी मकान हैं और जो भी गोडाउन है वो सब हमने सील किए हैं, जिनकी आज सर्चिंग की जाएगी। अब क्या लाते क्या रखते कौन पूछे किसका, अपन तो छोटे किराएदार लोग हैं। विस्फोटक सामग्रियां फिर भी लाते हो? हाँ लाते तो हूँ, कल ले गया, इनका नौकर ही बता रहा था कि पड़ा था, मैंने उठा के रख दिया था। घर पे भी रखा था? हाँ यार गोडाउन है इसमें रखा होगा, तो वो बोल रहा था, वो नौकर ही बता रहा था इनका। अच्छा, राजू भाई कोई डरने की बात नहीं है, जो भी था मैंने हटा दिया है, अब आप आराम से रहो। अच्छा नहीं, यहाँ पर भी ये रहवासी क्षेत्र यहाँ भी रखते थे? हाँ पड़ा होगा तभी तो इनका नौकर बोल रहा है। शुरू से बिजनेस तो इनका बरसों से, तब से लाइसेंसधारी लोग हैं ये वैसे, पर ये इनके गुने हैं कि इन्होंने मार्केट में रखा उस मटेरियल को, ये मटेरियल बाहर होना था गाँव से। अभी ये कल कहाँ गए भाई साहब, ये कुछ बता के नहीं गए, लोग सब निकल गए। अच्छा तो ये पूरा मकान सील कर दिए इनके? हाँ पूरा मकान सील कर दिए दोनों, ये गोडाउन भी सील कर दिए, दोनों भाई के दो मकान है दोनों सील कर दिए। आप लोग जिनमें रहते हैं वो भी सील करा? नहीं हमारे वाला सील नहीं करा, किराएदारों का। अच्छा, दोनों साइड में दोनों भाई के मकान में किराएदार। ये विस्फोट हुआ है उसके बाद यही थे? जब विस्फोट हुआ उसके तुरंत बाद इनको मालूम पड़ी और निकल गए थे लोग, पूरा परिवार निकल गया, बच्चे वगैरह सब चले गए, कोई भी नहीं और कुछ बता के नहीं गए कहाँ जा रहे, ताले लगा के चले। मैंने दो आवेदन दिए थे, एक विस्फोट सामग्री बेची जा रही इस संबंध में था राजेंद्र कासवा के नाम से, और एक था बामनिया में अवैध निर्माण कार्य के लिए बिना परमिशन से निर्माण कार्य चल रहे थे, संबंध में दोनों आवेदन।